Very good day to all my students. Here we are today to start with the very first chapter of class 10 ICSE Mathematics, and the book that we are referring to is ML Agarwal class 10. This is a very popular book for ICSE, and even if you have other books like RS Agarwal or any other publisher's book, if you have, you can still refer ML Agarwal because it is the most followed book for ICSE class 10. Even if the book is different, the syllabus would remain the same for ICSE, so you can even follow the lectures from here with me, and you can solve the sums from ML Agarwal as well as the other books which you have. The concept remains the same. So let's start with the first chapter, that is Goods and Services Tax. I think most of you must have been very familiar with this term, that is GST, if you know what I mean. Goods and Service Tax is GST. जब से डीमोनेटाइजेशन हुआ है, उसके बाद से जब से जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ है, गवर्नमेंट ने जीएसटी को इंक्लूड किया है, तब से मेनी बिजनेसमैन आर हैप्पी, मेनी बिजनेसमैन आर नॉट हैप्पी, बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हुए, लेकिन फाइनली जीएसटी लागू हो चुका है. जीएसटी का सिंपल मीनिंग क्या? इंडिया वॉज नोन एज लैंड ऑफ टैक्सेस, वी ऑल नो. इंडिया में इतने सारे टैक्सेस देने पड़ते थे कि एवरी बिजनेसमैन सबका हालत खराब. उनको ऐसा लगता था कि प्रॉफिट कहाँ से कमाएंगे, सारा तो टैक्स में चला जाता है. दैट इज वाई टैक्स इवेजन एंड टैक्स की चोरी ये सब होती थी. तो गवर्नमेंट हैज कम विथ जीएसटी, विच मीन्स सारे टैक्सेस को हटा के ये एक ही टैक्स आपको देना पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हो, आपको जीएसटी ही देना है. ठीक है, तो व्हाट इज जीएसटी? गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स लेवीड on the supply of goods and services, that is on the sale of goods and rendering services. मतलब अगर आप अपना एक दुकान खोलते हो, तो आप अगर माल खरीदते हो तो आपको जीएसटी भरना है, आप माल बेचते हो तो आपको जीएसटी भरना होता है. It is a nationwide tax which subsumes several indirect taxes levied by the center and state governments and is based on principle of one nation one tax, जो मैंने आपको बताया. पहले क्या होते थे, बहुत सारे indirect taxes होते थे, इसके जगह में एक ही टैक्स गवर्नमेंट ने इंक्लूड किया, जीएसटी. अब खाली एक नेशन है हमारा और एक ही टैक्स सबको देना है, 10 तरीके के टैक्सेस में नहीं जाना है. पहले क्या था, एक्साइज ड्यूटी था, कस्टम ड्यूटी था, सर्विस टैक्स, सेंट्रल स्टेट टैक्स. इतने सारे ड्यूटीज और टैक्सेस का डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ करना पड़ता था, तो उससे क्या होता था, प्रोडक्शन में जो टाइम हम और ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसकी जगह हम टैक्सेस में बहुत ज्यादा बिजी हो जाते थे. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सारे टैक्सेस को हटा के सिंगल टैक्स लाए. उससे क्या होगा, उससे काम लोगों का, ये जो टैक्सेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, ये काम कम होगा, लोग अपने काम में ज्यादा ध्यान लगा पाएंगे, एंड सिंगल टैक्स रहेगा तो मॉनिटर करना भी ज्यादा इजी रहेगा. स्टेट लेवल, अच्छा ये था सेंट्रल लेवल पे, दो टाइप के टैक्सेस होते हैं. एक सेंट्रल लेवल पे, सपोज आप अभी जैसे हम वेस्ट बंगाल में हैं, तो वेस्ट बंगाल अपना एक अलग टैक्स चार्ज करता है और इंडिया एज अ नेशन एक अलग टैक्स चार्ज करता है. तो एक आप टैक्स सेंटर को देते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हो, और एक आप स्टेट गवर्नमेंट को देते हो. तो एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स और सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये आप सेंटर को दे रहे थे. स्टेट लेवल पर था ऑक्ट्रॉय और एंट्री टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, टैक्सेस ऑन लॉटरी लग्जरी टैक्स, ये सब. तो ये सब को भी मिला के एक जीएसटी कर दिया गया है. तब जीएसटी में किस टाइप के टैक्सेस आते हैं, एक स्टेट टैक्स आता है और एक सेंट्रल लेवल का टैक्स आता है. ओके, अब आप सोचोगे कि मैम थ्योरी आएगा क्या एग्जाम में, थ्योरी पढ़ना जरूरी है? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि थ्योरी आएगा एग्जाम में, सम्स ही आएंगे आपके एग्जाम में. लेकिन थ्योरी अगर पता होगा तो सम्स करने में बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा. डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट सम्स करना इज नॉट व्हाट आई ऑलवेज सजेस्ट. थोड़ा सा थ्योरी समझ लो, उससे क्या होगा, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी. एंड जीएसटी तो एक ऐसा चीज है कि पूरी दुनिया अपना नॉलेज इसमें गेन करने के लिए लगी हुई है, जीएसटी सब सीखना चाहते हैं. तो आप थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लो, उसके बाद सम्स करेंगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. नेक्स्ट, डेफिनेशन हमने पढ़ चुका है पहले. एक इनडायरेक्ट टैक्स है, और क्या चीज पे होता है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. खाली सामान पर नहीं, अगर आप किसी को कोई सर्विस भी चार्ज कर रहे हो, जैसे कि आप सैलॉन्स जाते हो, तो सैलॉन वाले भी आपके सर्विसेज के ऊपर टैक्स चार्ज करते हैं, जो भी आपको बिल देते हैं. अच्छा, कुछ कुछ टर्म्स हमें पता होने चाहिए जीएसटी के लिए. एक होता है डीलर, एनी पर्सन हु बाइज गुड्स और सर्विस फॉर रीसेल इज नोन एज डीलर और ट्रेडर. ये आपको पता ही है, दुकान वाला जो होता है, ये जो खरीदता है गुड्स फिर उसको बेचता है, ये मैन्युफैक्चर नहीं करता, ये डीलर होता है. जैसे कि अपने रिटेल दुकान वाले होते हैं ना,
जो ग्रोसरी शॉप्स वाले होते हैं वो लोग के क्या होता है, माल डिलीवरी होता है उनके यहाँ और फिर वो रीसेल करते हैं। तो वो एक फर्म भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है। उसके बाद आता है इंट्रा स्टेट सेल्स, सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द सेम स्टेट, इंट्रा। ये कंफ्यूजन काफी बच्चों को कभी कभी हो जाता है, इंट्रा और इंटर। स्कूल में आपने कभी कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया है, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन। इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन क्या होता था, जब बहुत सारे स्कूल्स मिलके या वी कैन से एक से ज्यादा कोई भी स्कूल्स मिलके जब कम्पीट करते हैं कोई भी तरीके का कॉम्पिटिशन, स्पोर्ट्स हो गया, आर्ट्स हो गया, कुछ भी, तो वो इंटर स्कूल हो गया, जब दो तीन स्कूल आपस में करते हैं। और एक होता है इंट्रा स्कूल, अपने इंट्रा स्कूल नहीं बोलते हैं, इंट्रा स्कूल मतलब क्या, स्कूल के अंदर ही बहुत सारे कॉम्पिटिशन होते हैं क्लास 6A और 6B के बीच में। तो वैसे ही इंट्रा स्टेट मतलब जो स्टेट के अंदर ही होता है, विद इन द सेम स्टेट। जैसे कि आप अपने घर के नीचे गए, आपने दुकान से सामान खरीदा, दुकान वाले ने आपको बेचा, तो आप ये सेल्स कहाँ हुआ, आपके सिटी के अंदर ही हुआ, स्टेट के अंदर ही हुआ, वो इंट्रा स्टेट सेल हो गया। एक होता है इंटर स्टेट सेल, सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आउटसाइड द स्टेट आर कॉल्ड इंटर स्टेट। जैसे कि आप सपोज आप वेस्ट बंगाल में हो एंड उड़ीसा में आपका कोई पार्टी है जिन्होंने आपसे एक टन ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स का बॉटल्स मंगवाया है, तो आप उनको अगर सेल्स कर रहे हो तो वो इंटर स्टेट सेल हो गया। नेक्स्ट वी कम टू इनपुट GST एंड आउटपुट GST। अब जैसे ऊपर मैंने आपको कहा था यहाँ पर जब हम पढ़ रहे थे कि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो मैंने आपको ये बोला था कि GST जब आप माल खरीदते हो तब देते हो और जब आप माल बेचते हो तभी भी आप गवर्नमेंट को पे करते हो, तो दो दो बार GST पे करेंगे, ऐसा कैसे? जैसे कि सपोज आपने 100 रुपीज़ का सामान खरीदा था उसको दोबारा बेचने के लिए, तो आप सपोज 150 में बेचते हो उसको, जैसे कि नॉर्मली ग्रॉसरी स्टोर वाला करता है। तो 100 का जब वो सामान खरीदेगा तब तो वो GST पे करेगा, और जब वो 100 का 150 में बेचेगा तभी भी वो GST पे करेगा गवर्नमेंट को। अरे तो वो दो दो बार GST पे करेगा तो वो कमाएगा कब? वो आपका कंफ्यूजन दूर होगा इनपुट GST और आउटपुट GST में। देखो GST इज पेड बाय डीलर्स ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जब वो खरीदा। एक काम करते हैं, इसको एक डायग्राम के थ्रू से समझते हैं। एक मैन्युफैक्चरर ले लेते हैं, वो M है, और एक डीलर है, वो D है। तो ये जो डीलर है ये मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदता है, से वो 100 रुपीज़ का सामान खरीद रहा है, उस पर सपोज उसको GST भरना है, परसेंटेज होता है GST, तो 18% का GST उसको भरना है। तो वो कितना रुपया देगा एक्स्ट्रा एम को, 100 का 18% इज 18 रुपीज़, तो वो 100 रुपीज़ का सामान ले रहा है और वो 118 पे कर रहा है, जिसमें से 100 जो है वो सामान का प्राइस है और जो 18 है वो एक्स्ट्रा टैक्स है। तो ये क्या हुआ, इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि जो डीलर है वो अभी खरीद रहा है इसे यूज करने के लिए नहीं, ये इसको आगे बेचने के लिए, तो आगे उसको कमाना है इससे, तो अभी वो एक बार टैक्स दे रहा है, उसके बाद जब इसके बाद दोबारा वो बेचेगा तब जो वो टैक्स कलेक्ट करेगा उसकी भी एक स्टोरी है। तो अभी हम ये समझते हैं कि जो ये डीलर है इसको आगे इस सामान को बेचना है, तो अभी वो जो ये टैक्स दे रहा है इसको कहेंगे हम लोग इनपुट टैक्स। कम लेट्स सी व्हाट इज आउटपुट टैक्स। अब GST कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसको कहते हैं आउटपुट GST। जो अभी मैंने एकदम सिंपल आपको बताया, ये वाला एग्जांपल देखिए, यहां पर इसने जो 18% मैन्युफैक्चरर को दिया 18 रुपीज, वो है इसका इनपुट टैक्स। अब ये जो डीलर है ये ऑब्वियसली इस सामान को 100 रुपीज के प्राइस को ये कहीं और बेचेगा, तो ये 100 रुपीज का जो सामान है ये अब बेचेगा सपोज कस्टमर जिसका नाम है मिस्टर सी। तो अब ये कस्टमर से कलेक्ट करेगा GST। अब ये जितना भी GST कस्टमर से कलेक्ट करता है उसको कहेंगे हम लोग आउटपुट टैक्स। ठीक है, अब आप समझे कि अगर कोई भी डीलर, तो अब कोई भी डीलर जो एक मैन्युफैक्चरर से खरीदता है और एक कस्टमर को बेचता है, वो दो बार टैक्स की कहानी में फंसता है। एक बार वो टैक्स देता है और एक बार वो टैक्स कलेक्ट करता है। तो जब वो टैक्स देता है, GST पेड बाय डीलर्स इज कॉल्ड इनपुट टैक्स, GST कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स इज कॉल्ड आउटपुट टैक्स। एकदम सिंपल। उसके बाद टाइप्स ऑफ टैक्सेस अंडर GST। अच्छा, GST में दो टाइप के टैक्स होते हैं, मैंने आपको बताया, एक सेंट्रल लेवल पे होता है और एक स्टेट लेवल पे होता है। तो सेंट्रल लेवल पे जो होता है उसको बोलते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो GST के आगे सेंट्रल का सी लगाएंगे। एक होता है स्टेट लेवल पे, तो अगेन
जीएसटी के आगे स्टेट का एस लगाएंगे, सिंपल। और यूनियन टेरिटरी जीएसटी, यूनियन टेरिटरीज कौन से हो गए? यूनियन टेरिटरीज हो गए आपके जैसे चंडीगढ़ हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, दादरा नगर हवेली हो गया, लक्षद्वीप एंड दमन एंड दीव हो गया, तो ये सब यूनियन टेरिटरीज है। तो इन सब को एसजीएसटी के जगह इनके ऊपर यूटी जीएसटी लगेगा। अगेन जीएसटी के आगे खाली यूटी लगाया गया, तो समझ में आ गया आपको। जीएसटी के अंदर दो टाइप के टैक्सेस होते हैं, एक सेंट्रल को जाता है और एक स्टेट को जाता है। अगर आप स्टेट में नहीं रहते हो, यूनियन टेरिटरी में रहते हो, तो यूटी जीएसटी जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर हम इंट्रा स्टेट सेल्स करें, मतलब अपने सिटी अपने स्टेट के अंदर ही सेल्स करें, तो तब तो मुझे खाली स्टेट वाले जीएसटी देना पड़ेगा, क्योंकि तब तो मैं खाली स्टेट के अंदर कर रहा हूँ। बट ऐसा नहीं होता है। देखिए आप, बोथ दीज टैक्सेस आर लेवीड। जब आप इंट्रा स्टेट सेल्स करते हो ना, तो बोथ दीज टैक्सेस आर लेवीड। इंट्रा स्टेट सेल्स में जीएसटी कैसे होगा? जीएसटी इज डिवाइडेड इक्वली अमंग सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो ये और क्लैरिटी में समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अ डीलर इन कर्नाटका सेल्स गुड्स वर्थ ₹3,000 टू अ डीलर और कंज्यूमर इन कर्नाटका। ठीक है, तो क्या फैक्ट है इसमें? 3,000 का गुड्स बेच रहा है एक डीलर दूसरे डीलर को। ठीक है, सपोज जीएसटी रेट इज 12% ऑन दीज गुड्स। जीएसटी रेट इज 12%। अब आप बोले कि 12% कब डिसाइड हुआ? अब ये ऐसा है कि ये जो 12% है या 18% है, ये आप डिसाइड नहीं करते हो, ये गवर्नमेंट ने ऑलरेडी डिसाइड करके एक बहुत बड़ा पर्चा बनाया हुआ है कि अगर आप इस टाइप का सामान का परचेज कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो इतना जीएसटी लगेगा। हर एक सामान के ऊपर उनका फिक्स परसेंटेज ऑफ जीएसटी पहले से ही गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया हुआ है, तो आपको एक पूरा लिस्ट मिल जाएगा जब आप काम करोगे। एंड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, जब आप एग्जाम में ये सम्स करोगे, तो उस समय आपको ऑलरेडी ये परसेंटेज दिया हुआ होगा, तो आपको याद नहीं करना है कि कैसे गुड्स पे कितना परसेंट जीएसटी है। बट व्हेन नॉर्मली यू आर डूइंग बिजनेस, देन आपको ये पूरा गवर्नमेंट बता देता है कि कितना परसेंट क्या चीज के ऊपर जीएसटी है। तो अब जीएसटी रेट है 12% इन गुड्स पे। तो अब इस जो मैंने हमने यहां पढ़ा कि इंट्रा स्टेट सेल्स जब होता है, तो जीएसटी जो है वो इक्वली डिवाइड हो जाता है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट पे। तो इतने ही पढ़ के आप क्या मुझे बता सकते हो कि अगर 12% जीएसटी है गुड्स पे जो डीलर, एक डीलर कर्नाटका का दूसरे डीलर को बेच रहा है, लेट्स से डीलर ए डीलर बी को 3,000 का गुड्स बेच रहा है और 12% जीएसटी है, और ये हमें पता है कि जीएसटी जो है वो इक्वली डिवाइड होती है सेंटर पे और स्टेट पे, तो यहां पर स्टेट को कितना मिलेगा और सेंटर को कितना मिलेगा, जबकि कहा गया है कि इक्वल डिवीजन होगा। तो अगर 12% टैक्स है, तो इक्वल डिवीजन मतलब क्या? 6% इसको मिलेगा और 6% इसको मिलेगा। इक्वल डिवीजन तो इसी को बोलते हैं। अब 3,000 का 6% निकालिए, 3,000 का 6% कितना? 180। अरे बाप रे मैम, आपने काफी जल्दी निकाल दिया क्या? नहीं, ये सब थोड़ा मेंटल मैथ का ट्रिक्स है, मेंटल मैथ का ट्रिक्स आना बहुत जरूरी है। 3,000 × 6% मतलब 6/100, 100 का ये दोनों कैंसिल, 0, 180। थोड़ा सा ये सब मेंटली करना सीखोगे तो एग्जाम जो है काफी फास्ट लिख पाओगे, टाइम का प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर ये सबको बहुत ज्यादा टाइम लगाओगे तो एग्जाम फिनिश नहीं हो पाता है कुछ बच्चों का, तो धीरे धीरे करके ये स्किल्स को इम्प्रूव करना है। अब अगर इसका 180 आया तो इसका अलग आंसर आएगा क्या? नहीं, इसका भी 180 आएगा। अब चलो 12% निकाल के फिर उसको डिवाइड कर लो, 12% ऑफ 3,000 निकालो, कितना आता है? 360। अब 360 को बोला गया है कि सेंटर में और स्टेट में इक्वली डिवाइड करना है, तो 360/2 विच इज हाउ मच? 180 ईच। तो ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। चलो देख लेते कि इन्होंने आगे क्या लिखा है। देन जीएसटी विल कंप्राइज ऑफ सीजीएसटी एट 6% एंड एसजीएसटी 6%। ये तो हमने उसी समय मेंटली कर लिया। द सेलर विल कलेक्ट 6% ऑफ 3,000, दैट इज 180 सीजीएसटी विच विल गो टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड 6% ऑफ 3,000 दैट इज 180 विल गो टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। दस द डीलर कलेक्ट 12% ऑफ 3,000 दैट इज 360 इन टोटल जीएसटी। हमने अभी कैलकुलेट करके देख लिया, तो 12% जो था वो टोटल जीएसटी है, उसमें से आधा जाएगा सीजीएसटी को दैट इज सेंट्रल को, और आधा जो है वो
स्टेट को जाता है जिसको कहते हैं SGST। सिंपल, तो आपको SGST और CGST दोनों का केस समझ में आ गया, सेंट्रल का और स्टेट का। नाउ चलो, अब ये तो हो गई इंट्रा स्टेट की कहानी। इंट्रा स्टेट मतलब जब स्टेट के अंदर ही काम हो रहा है। जब अगर स्टेट के अंदर ही काम हो रहा है तो आधा तो कर्नाटका का गवर्नमेंट को दे दो, आधा सेंट्रल को दे दो। अब सपोज आप कर्नाटका से महाराष्ट्र, पूरा नाम नहीं लिख रही हूं, अब आप कर्नाटका से महाराष्ट्र 3,000 रुपए का गुड्स भेजते हो, तो क्या आप इसके ऊपर जो GST चार्ज करोगे खाली कर्नाटका को के गवर्नमेंट को दोगे और सेंट्रल के गवर्नमेंट को दोगे, तो आपको लगता है कोई इसमें से नाराज नहीं होगा? यहाँ पर सपोज हम बना लेते हैं सेंट्रल, ये है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये है कर्नाटका गवर्नमेंट, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट। 3,000 का गुड सेल हुआ है कर्नाटका टू महाराष्ट्र। अब इसके ऊपर जो GST कलेक्ट होगा उसका हाफ हम कर्नाटका गवर्नमेंट को दे देंगे और बाकी हाफ हम सेंट्रल को दे देंगे। तो क्या महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोलेगा कि मुझे टैक्स की जरूरत नहीं है, मेरे अंदर भी तो कर्नाटका से माल महाराष्ट्र में घुसा है, तो मेरे टैक्स का क्या, मुझे भी टैक्स चाहिए? तब उसका क्या होगा? तब आता है नया क्लासिफिकेशन, उसको कहेंगे इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, विच वुड बी नोन एज IGST। तो अभी तक हम कर रहे थे CGST विच वॉज सेंट्रल का GST, SGST विच इज स्टेट का। तो ये कहाँ वैलिड होता? जब हम इंट्रा स्टेट सेल कर रहे हैं। अब पर जब हम इंटर स्टेट सेल करेंगे तो IGST विल कम इन टू यूज। नाउ व्हाट इज IGST? IGST इज लिवीड ऑन इंटर स्टेट सेल्स, दैट इज ऑन सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आउटसाइड द स्टेट। अगेन स्टेट टू स्टेट हो रहा है, तो इट इज ऑल्सो लिवीड ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टू इंडिया एंड ऑन एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आउटसाइड इंडिया। मतलब ये स्टेट टू स्टेट के लिए भी है और कंट्री टू कंट्री के लिए भी है। IGST goes to the central government. अच्छा, IGST जो है वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो बस कंफ्यूजन खत्म। अगर आप स्टेट टू स्टेट सेल करते हो तो जो टैक्स कलेक्ट होगा वो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को ही जाएगा। तो IGST मतलब इंटीग्रेटेड GST, मतलब वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को ही जाएगा। तब स्टेट्स को आपस में लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपना काम करिए, जो भी टैक्स का काम है, जो भी टैक्स का कलेक्शन है वो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। फाइन, तो अभी तक एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ये रहा CGST, SGST का कॉन्सेप्ट तब आता है जब इंटर स्टेट सेल होता है, और इंटर स्टेट सेल अगर होता है तो IGST का कॉन्सेप्ट आता है। CGST सेंट्रल को जाता है, SGST स्टेट को जाता है, IGST डायरेक्ट सेंट्रल को जाता है। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। अ डीलर फ्रॉम मध्य प्रदेश सेल्स गुड्स वर्थ ₹50,000 टू अ डीलर इन पंजाब। ओके, इसको भी बना लो। मध्य प्रदेश का एक डीलर है पंजाब के एक डीलर को 50,000 का गुड्स भेजते हैं 50K। सपोज GST रेट इज 18%, ठीक है, 18% यानी 50,000 का 18%। देन द सेलर विल कलेक्ट 18% ऑफ 50,000। अब ये बताइए वो किसको देगा, मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट को या पंजाब के गवर्नमेंट को, या आधा आधा, या आधा मध्य प्रदेश को और आधा सेंट्रल को? नहीं, अभी हमने क्या पढ़ा, अगर स्टेट टू स्टेट ट्रांसफर होगा तो पूरा का पूरा GST सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगा, दोनों को कुछ नहीं मिलेगा, टैक्स जो है वो पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगा। तो 18% ऑफ 50,000 कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 9,000। तो 9,000 जो कलेक्ट होगा वो IGST कलेक्ट होगा, एंड द एंटायर अमाउंट ऑफ IGST विल गो टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। फाइन, तो आई थिंक अब आप लोग इसको लेके एकदम भी कंफ्यूज नहीं हो। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये सब जो बेसिक्स है, ये सब बेसिक्स आप अपने नोटबुक में भी नोट करते रहो, सो दैट जब आप सम्स करो तो आपको एकदम भी कंफ्यूजन ना रहे। अब मैंने आपको कहा था कि GST का जो रेट स्ट्रक्चर है वो आपको बता दिया जाएगा, वो लर्न नहीं करना है। तो ये रहा आपका GST का रेट स्ट्रक्चर। एसेंशियल आइटम्स इंक्लूडिंग अनपैक्ड फूड 0%, तो एसेंशियल आइटम्स पे पूरा का पूरा GST 0 है। कॉमन यूज आइटम्स में आ गया 5%, स्टैंडर्ड रेट है 12%, मैक्सिमम गुड्स एंड ऑल सर्विस स्टैंडर्ड रेट इज 18%, लग्जरी एंड सिन मतलब हो गया टोबैको वगैरह, उसके आइटम्स पे है 28%। अब हम एक नया टॉपिक पे मूव करें, उससे पहले हम कुछ सम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इस टॉपिक को स्टार्ट करके फिर उसके आगे का सम सॉल्व करेंगे। ये एक नया टॉपिक है पूरा का पूरा,
आइए पहले एक फर्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं।